नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। आप मुझे सुन रहे हैं टैट्स गुरु चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। और यहाँ पे मैं तरह तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, सी टैट के लिए, एस टैट के लिए, यूपी टैट के लिए। इससे पहले मैंने एस टैट के क्वेश्चन पेपर्स कराए हैं, अगर CDP की बात की जाए तो। साथ में सी टैट के क्वेश्चन पेपर भी मैं करवा चुका हूँ, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। लेकिन इन दिनों मैं मैथमेटिक्स पैडागोजी को कवर कर रहा हूँ, सी टैट के लिए, एस टैट के लिए, यूपी टैट के लिए, या फिर यूँ कह लें किसी भी स्टेट के टैट के लिए। मैंने फर्स्ट दो वीडियोस बना चुका हूँ मैं, वो अपलोडेड हैं टैट्स गुरु चैनल पर। मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है रिगार्डिंग मैथमेटिक्स पैडागोजी। कॉन्सेप्ट एक है, क्वेश्चन मे बी डिफरेंट, बट कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैथ्स पैडागोजी मैं आपको करवा रहा हूँ। सीट है 2015 सितंबर का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि सितंबर मंथ में हुआ था, और ये TGT लेवल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, छाया सिंप्लीफाइड द गिवन रेशनल नंबर। छाया ने एक नंबर को इस तरीके से सोल्व किया कि उसका जो आंसर है वो -5/6 आ गया। दिस एरर कैन बी कंसीडर्ड एज, अब आपको पता है कि एक एरर है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं आना चाहिए, लेकिन माइनस साइन है। तो अब जो ये एरर है, ये किस तरीके की एरर है, इसको आप कंसेप्चुअल एरर कहेंगे। कंसेप्चुअल एरर होती है जो कि कॉन्सेप्ट की वजह से होती है, कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। प्रोसीजरल एरर कहेंगे कि बच्चे को प्रोसीजर नहीं आता है करना। एरर ड्यू टू रॉन्ग इंटरप्शन ऑफ प्रॉब्लम, या फिर केयरलेस एरर, आप क्या कहेंगे। तो इसका देखो बच्चों, जो सीधा आंसर है वो है कॉन्सेप्चुअल एरर। कंसेप्चुअल एरर है ये एक प्रकार की, ये प्रोसीजरल एरर नहीं है, क्योंकि प्रोसीजरल एरर में स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, इस तरीके से। यहाँ पे कोई स्टेप नहीं हो रहे हैं। उसके बाद इंटरप्रेशन भी बच्चे का ठीक है, सिंप्लीफाई करना था, 5 से उसने सिंप्लीफाई कर दिया है। केयरलेस एरर भी नहीं कहेंगे, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि इस एज में होता है बच्चे का कॉन्सेप्ट। अगर आप एक मैथमेटिक्स टीचर हैं, या फिर ट्यूशन दे रहे हैं बच्चों को, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इस एज में बच्चा गलती करता है, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है ए, कॉन्सेप्चुअल एरर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, डाटा हैंडलिंग एट अपर प्राइमरी स्टेज फोकस ऑन। अब जो ये डाटा हैंडलिंग है, मतलब स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर है, उसके अंदर काफ़ी सारा डाटा क्वेश्चंस में होता है, टेबल की फॉर्म में टेबुलेट होता है। तो ये बेसिकली किस चीज़ पर फोकस करता है, डाटा इंटरप्शन ओनली, डाटा ऑर्गेनाइजेशन ओनली, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्शन। तो ख़ास तौर पे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूँ, एक ऐसा ऑप्शन जहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर रहा है वो ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन बाकी तीन ऑप्शन को भी अपने अंदर कवर कर रहा है, तो 99% ऑप्शन वही करेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, डाटा कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रेशन, तीनों ही स्टेज को, ये तीनों ही ऑप्शन को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन थोड़ा लेंथी होता है, मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होता है, ठीक है। लेकिन मैं हर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। डाटा कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्शन, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और फिर इंटरप्रेशन करते हैं, मतलब उसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। जो भी हमें लगाने होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, फिर फाइनली हमारा आंसर आता है। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि पहले दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट को आपने गेन किया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन मैथमेटिक्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। ड्रॉइंग, सॉल्विंग बैकवर्ड्स,
रोट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर। अगर इसमें हम बात करें ड्राइंग की या फिर सॉल्विंग की, कुछ तो सॉल्व हो ही रहा है। ट्रायल एंड एरर एक मेथड का नाम है मैथमेटिक्स में। लेकिन यहाँ पे जो रोट लर्निंग है, ये आप देखिएगा, ये ना तो मेथड है ना ड्राइंग है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे इसमें रट रहे हैं बैठ के। और रोट लर्निंग कोई भी हम कह नहीं सकते कि कोई एक मैथमेटिक्स का प्रोसेस है, क्योंकि बच्चा एक नेगेटिव पॉइंट है, बच्चा हर सब्जेक्ट में रटता ही है, और ख़ास तौर पे बच्चे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रट लेते हैं एज इट इज़, तो वो बच्चों को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो चारों में से ये ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है, रोट लर्निंग मतलब रटना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही बच्चे को करना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये ना तो कोई पार्ट है, ना कोई टूल है, ना कोई फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। रोट लर्निंग वैसे भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्याजे, व्हेन द चाइल्ड इज़ एट फॉर्मल ऑपरेशनल। प्याजे की जो चार स्टेजेस थी उसमें जो फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें प्याजे ने कहा है कि इनमें से किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए बच्चे के सामने, डाटा हैंडलिंग, नंबर्स, ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो मैं आपको एक खास बात बता दूं कि जो फोर्थ स्टेज है प्याजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें उन्होंने बोला है कि बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा सोचने के लिए विजुलाइज करता है, ठीक है, इमेजिन करने की कोशिश करता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वैसे बहुत सारा काम इमेजिनेशन का ही होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डाटा हैंडलिंग में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्रेशन होता है डाटा के ऊपर, नंबर्स, ज्योमेट्री, यहाँ पे ऐसा कुछ सोचना नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बच्चों की थिंकिंग ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रीड द फॉलोइंग प्रॉब्लम गिवन इन ए टेक्स्ट बुक फॉर क्लास सेवेंथ। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ए मैप इज गिवन विद ए स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ठीक है, वट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज इन किलोमीटर्स। इफ द डिस्टेंस ऑन द मैप इज 2.5 सेंटीमीटर, दिस प्रॉब्लम इज। अब एक ये प्रॉब्लम दी हुई है सेवन्थ क्लास के मैथमेटिक्स में, तो ये प्रॉब्लम जो है आप अच्छे से पढ़िएगा इस प्रॉब्लम को और बताइएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। क्या ये इन्वेस्टिगेटरी है इन नेचर में? बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टिगेटरी नहीं कह सकते हम इसे, ठीक है, क्योंकि सिंपल एक प्रॉब्लम दी हुई है। उसके बाद बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसको हायर ऑर्डर में नहीं बोलेंगे हम, टू इन्हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एनहेंस करने की कैपेबिलिटी रखती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर। मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे बच्चों को ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो एक से ज़्यादा स्किल्स की बच्चों को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अंत विषय, इंटर डिसिप्लिन का मतलब होता है अंत विषय, मतलब बच्चे को सेंटीमीटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को किलोमीटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो यूनिट सिस्टम हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बच्चे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी बच्चा जो है अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जेशन उसको आना चाहिए सेंटीमीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से सेंटीमीटर। तो एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दो या तीन चीज़ में बच्चा जो है परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। अगर बच्चे को किलोमीटर सेंटीमीटर के बारे में ही नहीं पता, ठीक है, मीटर किलोमीटर के बारे में ही नहीं पता, तो वो इस तरीके की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस, ये तो पहला जैसे ही क्वेश्चन आ गया है, एस्टिमेशन, मेमोराइजेशन, मेजरमेंट या फिर विजुलाइजेशन, तो आपको पता लग ही गया होगा इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। मेमोराइजेशन वही जैसे रोट लर्निंग, रट्टा मारना, ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं होती। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं टैक्स ग्रू चैनल पर तो काफ़ी अच्छा है, बार बार इन वीडियोस को प्ले करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि सी टेट एग्ज़ाम की डेट, क्योंकि आई थिंक 2021 में सी टेट होगा अब, लेकिन जो सेंटर वगैरह जो चेंज करवाए जा रहे हैं वो प्रोसेस अब चल चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अब कमर कसनी है, चाहे आपका एस टेट हो सी टेट हो, आप यहाँ पर अब ढीला नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो वीडियो देखिएगा, अगर किसी में
कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपका, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपके डाउट को सोल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 स्कूल मैथमेटिक्स टेक प्लेस इन ए सिचुएशन वेयर, NCF 2005 के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स जो मतलब होता है किस सिचुएशन में अच्छे तरीके से बच्चा जो है उसको ग्रैप करने की कोशिश करता है। चिल्ड्रन आर फोर्स टू लर्न ऑल कंसेप्ट बाई डेली प्रैक्टिस। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेंगे। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 सोशल मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस इन ए सिचुएशन, सॉरी नॉट सोशल बट स्कूल मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस इन ए सिचुएशन वेयर, स्कूल के अंदर जो मैथमेटिक्स है वो टेक प्लेस करता है किस सिचुएशन में। चिल्ड्रन आर फोर्स, जब चिल्ड्रन को बाध्य किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि बेटा तेरे को तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप भी देख रहे हैं गलत बात हो जाएगी। चिल्ड्रन आर लिसनर्स एंड द टीचर इज एन एक्टिव नरेटर, बिल्कुल उल्टी बात है ये तो, कि बच्चे एक्टिव हो रहे हैं आज कल, और चिल्ड्रन जो है बेसिकली टीचर जो है वो एक्टिव इस ऑप्शन में बताया गया, तो बिल्कुल गलत बात है। एक्टिव किसको होना पड़ेगा, बच्चों को एक्टिव होना पड़ेगा। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन चोर्स ड्रिल ऑफ फॉर्मूले एंड प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, या फिर मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, तो डी इज़ द राइट आंसर, कि मैथमेटिक्स जो है बच्चे की लाइफ का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैथमेटिक्स में बच्चों को हम जो पढ़ाएं, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, या टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए, या फिर प्रॉफिट के क्वेश्चन हो गए, परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, तो ये कुछ इस तरीके की चैप्टर हैं। अगर बच्चों को अच्छे से सिखा दिया जाए तो वो अपने डेली लाइफ में भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है, तो उनके जब वो इस तरीके से यूज़ करेगा तो बच्चों का क्या होगा कि वो डेली लाइफ में भी मैथमेटिक्स को पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। डेली लाइफ में भी मैथमेटिक्स उनकी लाइफ का एक इंटरेस्ट बन जाएगा, एक्सपीरियंस बन जाएगा, लाइफ में भी वो मैथमेटिक्स को एक्सपीरियंस करेंगे, तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डी इज द राइट आंसर, बच्चा जो है रट्टा नहीं मारेगा। ठीक है, इन क्लास सिक्स टीचर गेव ए टॉपिक फॉर डिबेट एज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट एफ ए टास्क, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स आर मोर पावरफुल देन रोमन न्यूमेरल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफ ए एक्टिविटी इज टू असेस, मतलब एक सिक्स क्लास के टीचर ने एक बच्चों को एफ ए के लिए एक्टिविटी दी ही है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स आर मोर पावरफुल देन रोमन, जो हिंदू जो काउंटिंग होती है नंबर्स होते हैं वो रोमन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी देने के पीछे मोटिव क्या रहा होगा। एनालिसिस, टीचर जो है बच्चों से एनालिसिस करवा रहा है, बच्चों की क्रिएटिविटी बनवा रहा है, अंडरस्टैंडिंग बच्चों की समझ बढ़ा रहा है, या फिर नॉलेज बच्चों को नॉलेज दे रहा है, तो ये जो एक्टिविटी है बेसिकली एनालिसिस के ऊपर है कि बच्चे जो हैं बच्चों के सामने दोनों ही नंबर्स हैं, चाहे वो रोमन के हों चाहे हिंदू अरेबिक के हों, लेकिन बच्चा जो है अपनी रीजनिंग पावर शक्ति लगा के वो ये देखेगा, एनालिसिस कर रहा है वो, कि हिंदू नंबर ज़्यादा पावरफुल हैं या फिर रोमन नंबर ज़्यादा पावरफुल हैं, तो ही और शी दे आर डूइंग एनालिसिस हियर। ठीक है, एनालिसिस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्रिएटिविटी का कोई काम नहीं है, बच्चों की समझ का कोई काम नहीं है, नॉलेज का कोई काम नहीं है, एनालिसिस यहाँ पे बच्चे विश्लेषण बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं कि कौन से नंबर ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ए मैथमेटिक्स क्लासरूम एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन, मैथमेटिक्स की क्लासरूम के अंदर जोर किस बात पे दिया जाता है, मैथमेटिकल कंटेंट प्रोसेस एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, या फिर मैथमेटिकल एल्गोरिदम एंड प्रोसेस, मैथमेटिकल कंटेंट, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मैथमेटिकल कंटेंट प्रोसेस एंड रीजनिंग। मैथमेटिकल का जो कंटेंट होता है, जो करिकुलम होता है, एक तो उस बात पे, प्रोसेस मैथमेटिक्स को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से मेथड बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, और रीजनिंग बच्चों की तर्क शक्ति के ऊपर। ठीक है, रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अपनी तर्क शक्ति भी लगाएं, अपनी सोच लगाएं, अपने तरीके से समझें वो, ना कि उनको फोर्स किया जाए। ठीक है, तो मैथमेटिकल कंटेंट प्रोसेस एंड रीजनिंग, और वैसे भी इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन में ही सारे ऑप्शन अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। बच्चों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आज का। ए टीचर गिव्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम
related to discount to the student for solving. The MP of a shirt and sweater are 200 and 300 respectively, and the discount on the marked price of shirt and sweater are 20%, 12% respectively. While preparing the bill, the shopkeeper interchanged the discount on these items by mistake. मतलब उसने डिस्काउंट को चेंज कर दिया, 12% शर्ट पे दे दिया और 20% जो है उसने स्वेटर पे दे दिया. ऑन गेटिंग द बिल हमीदा नोटिस द मिस्टेक एंड पेड द एक्चुअल अमाउंट टू द शॉपकीपर. हाउ मच मनी डिड हमीदा पे टू द शॉपकीपर. मतलब क्वेश्चन तो ये है लेकिन आपको ये सोल्व नहीं करना है, डरना नहीं है, सोल्व नहीं करना है आपको. एंड में जो इन्होंने बोला है उसका आंसर फाइंड आउट करना है. व्हाट वैल्यू डज द टीचर ट्राई टू प्रमोट थ्रू दिस प्रॉब्लम. अब टीचर ने कौन सी वैल्यू बच्चों के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करी है इस तरह की प्रॉब्लम को देखें. ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, सिंपैथी या फिर कंपैशन. तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी. क्योंकि उसने क्या किया है, डिस्काउंट को शॉपकीपर ने बाय मिस्टेक इंटरचेंज कर दिया है. तो बड़े अमाउंट पे छोटा डिस्काउंट डाल दिया, छोटे अमाउंट पे बड़ा डाल दिया, सॉरी छोटे अमाउंट पे छोटा डिस्काउंट उसने डाल दिया और बड़े अमाउंट पे बड़ा डिस्काउंट डाल दिया. तो इसका मतलब ये है कि हमीदा को ज़्यादा पैसे देने थे लेकिन उसने इस तरह की गलती करी शॉपकीपर ने, जिसकी वजह से हमीदा को कम पैसे, मतलब कम पैसे के लिए उसने बोला कि भाई ऑब्वियसली हमीदा की जेब से कम ही पैसे जाते लेकिन हमीदा ने एक्चुअल अमाउंट उसको पे किया है. तो एक तरीके से ईमानदारी हमीदा ने दिखाई है वहाँ पे. तो जो ईमानदारी वैल्यू है वो यहाँ पे टीचर ने कोशिश करी है क्रिएट करने की बच्चों के अंदर. ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स पैडागोजी. मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है, कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए. जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो है सी टेट 2015 सेप्टेम्बर मंथ का क्वेश्चन पेपर है, TGT लेवल है और ये मेरा थर्ड लेक्चर है मैथमेटिक्स पैडागोजी का. ठीक है, कुछ और लेक्चर मैं आपको करवाऊंगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. प्रैक्टिस जितनी करो उतना ही कम होता है. ठीक है, और कोशिश करूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की पैडागोजी आप लोग के सामने लेके आऊँ, चाहे जैसे हिंदी होता है, जैसे आपका इंग्लिश होता है. तो कोशिश जारी है, सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर अपडेट. थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए. आपका दिन शुभ रहे. बाय.